के लिए अपने देश को वापस इनसे स्वतंत्र करने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। नाउ सेवेंथ वो पिक्चर में क्या हो रहा है, द स्पार्क्स। अब एक चिंगारी जो है वो पूरे देश में उठ चुकी थी, किसकी, स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने की। ये कौन से टाइम पीरियड की बात है, 1855 से लेके 57 की। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स इन बंगाल, द सैंथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट। इन 1855 दे रोज अ रेबेलियन एंड मैसेक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स लाइक। अब क्या हुआ, टैक्सेस ने पूरे जो हमारे यहाँ के देश के जो पेजेंट्स हैं, मतलब जो किसान हैं और इस तरीके के जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उन सबको बर्बाद कर दिया है। अब बंगाल में एक सैंथल्स करके कम्युनिटी है, जो कि जिनकी सारी ज़मीनें भी जो हैं वो इन क्या कहते हैं ब्रिटिशर्स ने छीन ली थी, उनके सारा राज्य वो अपना खो चुके हैं, वो बहुत डेस्परेट हो चुके हैं। और 1855 ने उन्होंने एक जिसको कहना चाहिए एक लड़ने की एक जंग, एक तरीके का जिसको कहना चाहिए क्या एक कैसे हम बताएं वो, मतलब एक तरीके की लड़ाई छेड़ दी है, एक तरीके का उन्होंने ये लड़ाई के एकजुट होके एक स्वतंत्रता के लिए एक उम्मीद जगाने के लिए आपस में मिलके एक छोटा सा एकजुट होके लड़ाई की शुरुआत करी थी, जिससे कि वो यूरोपियंस को अपने राज्य यूरोपियंस से अपना राज्य वापस ले सकें। नाउ डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। अब जो आर्मी में भी जो कुछ लोग थे इंडिया में, मतलब जो इंडियंस जो आर्मी में लोगों के एक छोटी छोटी नौकरियां कर रहे थे, अब उनको भी ये चीज़ समझ में आने लगी थी। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन एंड दे लिव्स लाइक सर्वेंट्स। अब उनको भी समझ में आने लगा था कि जो सोल्जर्स वाइट मैन थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको बहुत पैसे मिलते थे, वो बड़े बड़े मैंशन में लेते थे और ये लोग इन लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट किया करते थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और इनको क्या छोटी छोटी सी सैलरी मिलती थी और ये इनको प्रमोशंस भी जल्दी नहीं मिला करता था। तो अब ये भी जो थे इनके ऑपोजिशन में खड़े होने लगे थे। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन। उनको इन्होंने ये भी कहा कि ये जो अंग्रेज थे ये हमको वो दायरे या समुद्र नाकने की कोशिश करते जो हमारे रिलीजन के खिलाफ है। हु इज द टोपी वाला टू अबॉलिश आर ओल्ड एज कस्टम्स, और ये टोपी वाले कौन होते हैं जो हमें हमारे पुराने कस्टम्स को तोड़ने के लिए मजबूर करें। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्रिप्ड टू ऑफ दियर यूनिफॉर्म्स। और भी कई सिपाही थे जिन्होंने रिवोल्ट छेड़ दिया, एक आंदोलन छेड़ दिया अंग्रेजों के अगेंस्ट जाने के लिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एजिटेंट ऑफ द रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स। अब इसी तरीके से एक जो सिपाही था मंगल पांडे, उन्होंने भी अपने यहाँ के अपने रेजिमेंट के एक जो वो थे ऑफिसर थे उनके ऊपर अटैक किया और वहाँ से नौकरी से निकाल दिया। इसी तरीके से धीरे धीरे से मतलब क्या होने लगा कि अब लोग जो थे जो इंडियंस थे वो रियलाइज करने लगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े होना शुरू कर दिए, आंदोलन छिड़ने लगे, स्वतंत्रता के लिए लड़ाइयों की बात होने लगी। अब एक रिवोल्ट जो था वो छिड़ने लग चुका था पूरे देश के अंदर। फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। अब कुछ ऐसे भी थे इंग्लिशमैन जो हमारे हिंदुस्तान के कल्चर को समझते थे, उनकी रिस्पेक्ट किया करते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव और टू बाइट इज मेड अप ऑफ फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब एक ने उन्होंने बताया कि ब्राह्मण सोल्जर था एक, उनको ये बताया गया कि ये जो ग्रीस जो बुलेट में लगती है क्या तुम्हें पता है, जब तुम इसको दांत से बुलेट्स को दांत से तोड़ के कुछ किया जाता होगा उसका कुछ जो शेल वगैरह निकाला जाता होगा, तो उन्होंने उसको बताया कि जो ये किस चीज़ का बनता है, इसमें जो है फैट यूज होता है काउज एंड पिग्स का। तो जो ब्राह्मण था क्योंकि वो नॉनवेज बिल्कुल छूता नहीं, तो उन्होंने कहा व्हाट द वाइट मैन हैज रिसीव्ड अस टू। उसने बोला कि ये तो हमें धोखा दिया गया है, हम ब्राह्मण जो हमसे इस तरीके की चीज़ें करवाई जाती है। सून चपातीज वो सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट दियर एम्परर वुड वॉन्ट दियर सर्विस, येस ऑल द विलेज मैन विल बी रेडी। अब धीरे धीरे इस तरीके के लोग एक अंदर में फुसफुसाहट में बात करते थे, वो एकजुट होने की बातें संदेश भेजते थे कि अगर हम कुछ ऑपोजिशन के लिए स्टैंड करते हैं तो क्या आप लोग हमारा साथ देंगे। तो वो पूरा पूरा विलेज के जो पूरे पूरे लोग थे अब वो एक साथ खड़े होने को राजी हो जाते थे कि हाँ हम सब इन चीज़ों में आपका या जो भी आप रिपोर्ट कर रहे हैं या जो भी आपका आंदोलन है उस सब में आपकी सहायता करेंगे। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स। अब लोटस का जो फ्लावर था वो सर्कुलेट करा गया था, मतलब कहाँ बांटा गया था, अमंग इंडियन सोल्जर्स, डेथ टू द फॉरनर्स। अब उन लोगों ने ये डिसाइड किया था जो इंडियन सोल्जर्स थे
कि आप सिर्फ फॉरनर्स को जान से मानना, द मासेस गेव ऑल हेल्प्स एंड शेल्टर टू द पेट्रियॉट्स। अब जो मासेस जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था कि जो पेट्रियॉट्स थे, ये जो मतलब इस तरीके से आंदोलनों में जो खड़े हुए जो देश प्रेमी प्रवृत्ति के जो लोग थे, उनको शेल्टर देने के लिए जब वो आते थे, उनको अंग्रेज पकड़ने शुरू करते थे, मारते पीटते थे, तो उन्हें छुपाने के लिए जब वो कोई रिवोल्ट का कुछ काम करके या कुछ जो भी उन्होंने डिसाइड किया करके वो आते थे, तो ये जो भीड़ के ये जो लोग थे मतलब जो जनरली इंडियंस थे, वो उनको शेल्टर दिया करते थे, उनको अपने घरों में छुपा भी लिया करते थे इन लोगों से, ये ब्रिटिशर्स से बचाने के लिए। अब रिवोल्ट, अब एकदम पूरे तरीके से लड़ाई हो चुकी है कि एक रिवोल्ट छिड़ चुका है पूरे देश में, जिसमें उनको ये एक उनका नारा हो चुका है कि अब उनको ये ब्रिटिशर्स को यहाँ से अपने इंडिया से बाहर भगाना है। देन देयर आर वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, एट मेरठ। अब मेरठ में एक बहुत खतरनाक सी लड़ाई जंग शुरू हो चुकी है। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, अब जो सिपाही हैं वो दिल्ली तक पहुँच चुके हैं। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, अब जो सिपाही हैं दिल्ली के वो उन्होंने क्या कहा, लॉन्ग लिव आर एम्परर।